वेलकम। हाय शुभम शर्मा दिस साइड। टेक्निकली या बेसिकली आई एम एन वास्तु कंसल्टेंट। जो वास्तु है वो मैं करता हूँ, बट जो मेरी कोर है वो तंत्र है। तो अभी आप जो कहानी सुना रहे थे वो थोड़ी सी ऑडियंस के लिए बताओ कि क्या हुआ था वो। देखिए वो तो पूरा पैरानॉर्मल से लिम्पूरा स्टोरी था। बेसिकली हुआ ये था कि रिसेंट का विजिट था, उसमें ये था अर्ली मॉर्निंग विजिट किया था मैंने। मैं मुहूर्त के हिसाब से मुहूर्त को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ पहली बात तो, क्योंकि मुहूर्त एक्चुअली क्या है ना, मेरा मानना है कि अगर आप सही समय में बीज बोगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा होगा। तो टेक्निकली अगर मैं वास्तु भी करने आता हूँ ना, तो मेरे जो ऑनगोइंग क्लाइंट है वो ये चीज़ जानते होंगे कि उन्हें मतलब मुहूर्त का कितना ज़्यादा, मतलब मैं लिटरली एक एक मिनट का भी देखता हूँ। अगर पहले भी घर पहुँच गया ना तो उस टाइम पीरियड अगर 2-3 मिनट बचा हो मैं घर पे ही नहीं घुसता हूँ। उसके बाद ज़्यादा तो मुहूर्त उनका ना अर्ली मॉर्निंग का ही आया था, अराउंड 5:35 5:36 का कुछ ऐसा मुहूर्त था। केस ये था कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, परेशान इन द सेंस ना कि मैं उसको सेंटेंस या वर्ड्स में नहीं बोल सकता, बट वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे कि सर बस आप आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, आप आज के ही आ जाओ। मतलब वो तो पॉसिबल नहीं, वी हैव टू फिक्स द अपॉइंटमेंट एंड ऑल, क्योंकि इधर उधर का विजिट रहता है बेसिकली। मैं उनका घर का आपको बता रहा हूँ, पूरा सीन समझा रहा हूँ। उनका घर सेंटर पे था, मतलब एक गली से अंदर जा रहे थे, सेंटर पे घर था, बहुत बड़ा गेट, जैसे महलों का नहीं रहता है बड़ा सा एकदम गेट, वो था। जस्ट बाजू में एक खंडर टाइप का घर था। मैंने पूछा ये किसका घर है, बोले सर ये है कोई बाहर रहता है, यहाँ पर रहते नहीं, यूपी हरदोई साइड कहीं पर रहते हैं बेसिकली, तो यहाँ उनका बहुत कम आना जाना होता है। मैं बोला ऐसे ही पड़े रहता है खंडर, बोले हाँ सर, मतलब कभी आ गए साल में एक दो बार ऐसे प्रॉपर्टी साफ वगैरह करने आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते। जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, नॉट थोड़ा, चिपका ही हुआ घर उनके लेफ्ट साइड में, एक टूटा हुआ खंडर टाइप का कुछ बिल्डिंग था जो कि थोड़ा बहुत मंदिर टाइप का दिख रहा था, पुराने जमाने के मंदिर होते। मैं बोला ये क्या है मंदिर, बोलते सर ये मंदिर ही एक्चुअली। मैं बोला कौन से भगवान का है भाई वो भी बता दो, बोलते कोई भगवान ही नहीं है इसमें। मैं बोला ये क्या बात हुई, वो खंडर टाइप का पड़ा हुआ था। प्रॉब्लम ये रहती है ना कि एट द टाइम उनके घर मैंने एंटर किया, वो एक फील हो जाता है आपको, एक शोल्डर पेन सा होने लगता है आपको, बड़ा अजीब सा फील होने लगता है ना। मैंने समझ गया, बट मैं डायरेक्टली डिस्क्लोज तुरंत नहीं बोलता, देखिए हो सकता है उन्हें नहीं पता हो वो चीज़, तो क्यों किसी को घबराए। तो मैंने उन्हें कुछ कभी बोला नहीं, मतलब स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा बोला नहीं, बट मुझे फील हो गया। बट उनके घर में जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम समझ आई थी कि आजू बाजू दोनों के घर, मतलब एक मंदिर था और एक घर था, दोनों खंडर थे, पूरे के पूरे खंडर। देखिए होता क्या है ना, कई केसेस में कई बार ऐसा होता है, लेट अस सपोज ये आपका स्टूडियो है, ओके, इसकी एम्बियंस बहुत अच्छी है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी, प्राणिक जैविक ऊर्जा पूरी बैलेंस्ड है। दो मिनट के लिए सोच लीजिए पूरा ये वास्तु ऑस्पिशियस है, नॉट ओनली वास्तु ऑस्पिशियस, या एक्टिविटी भी बड़ी मज़ेदार होती है, बट अगर इसके आजू बाजू या साइड की बिल्डिंग्स या फिर इसके साइड का कोई जो भी ऑफिस या स्टूडियो होगा वहाँ की अगर एनर्जी डल है या फिर वहाँ कोई मेजर इशू है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टूडियो या आपका कैंपस भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर एक लैंड में अगर कोई इशू आ जाता है तो ऑन एन अराउंड 2000 से लेके 2500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर देता है वो इशू। तो उनके घर में मेजरली दोनों आजू बाजू के बिल्डिंग का पूरा इशू था, उसकी वजह से उनका घर इफेक्टिव हुआ था। अब उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी थी, मैं जब अंदर एंटर किया आप मानोगे नहीं, उस घर पे रहने वाले सिर्फ 3 लोग थे और एक उनका खुद का डॉगी था, मतलब हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा, 2 बेटे थे, एक बेटा बाहर रहता है, एक उन्हीं के साथ रहा है। मतलब मैं जब गया तब 3 लोग रहने वाले थे, मात्र एक डॉगी था। घर आप मानोगे नहीं, वो लिटरली एक, मतलब विला भी नहीं कह सकते, बंगलो भी नहीं कह सकते, वी कैन से वो महल था। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब यार आज के डेट में 6 एकड़ में घर कौन बनाता है, ऑन एन अराउंड 6 एकड़ का पूरा घर था जिसमें पशु वगैरह सब कोई थे, ठीक है बड़ा परिवार होता चलता है, इट्स नॉट अबाउट 6 एकड़, इट्स अबाउट कि यार 3 लोग कहाँ कहाँ रहे। और ऐसा भी नहीं कि घर छोटा सा है, चारों तरफ गार्डन ही रही है, पूरा घर था उनका स्टार्टिंग, मतलब समझ रहे हो, वो महल टाइप का हो रहा था। तो जब अंदर गया तो 2-3 लोग मेरे सामने आमने सामने आए पड़े। मैं बोला कि आपके घर में रहते हो कौन कौन है, तो बताया उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, जो मेरे क्लाइंट थे बोले मैं सर, मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा और एक बेटा बाहर है और ये डॉगी है, अभी भी फैमिली का हिस्सा। मैं बोला हाँ सही हो। तो उनके में प्रॉब्लम ये आई थी कि उनके पूरे घर में मात्र 3 कमरे यूज़ हो रहे थे, एक उनका बेटा शायद पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा था, एक हस्बैंड वाइफ यूज़ कर रहे थे, एक ड्राइंग रूम टाइप का रूम था, दैट इज़ इट। बाकी पूरा का पूरा, मतलब बाकी कमरे का यूज़ बंद रहता है सर जी। वो स्ट्राइक करने लगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब वहाँ पर ये हो रहा था कि मेरे को फील होने लग गया था एंटिटीज, देखो होता है ना कि कभी भी आभास हो जाता है किसी को भी, जैसे हम यहाँ पर बैठे एक पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, तो ऐसे सेम ना नेगेटिविटी का भी एहसास हो जाता है किसी को भी, इन जनरल भी हो जाता है। और जैसे आप काम जब करने लगते हो ना तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वाइब नहीं आती, वाइब, हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को ना वो चीज़ वहाँ पर, मतलब एक समझ रहे हो, जुगलबंदी नहीं बैठ पा रहा है वो चीज़ वहाँ पर। तो मैं कुछ नहीं बोला। आज जब मैं एंटर करता हूँ ना किसी का भी वास्तु के लिए, तो मैं क्लाइंट से बहुत कम बातें करता हूँ। मैं शायद ये वीडियो में वो लोग को देख के बुरा भी लगे, बट क्लाइंट बातें करते रहते हैं, मैं बस सर हिलाता रहता हूँ, मेरा ध्यान और दिमाग ना कहीं और
चलता रहता है। तो वो चीज़ हुआ तो अचानक से कुछ तो भी वो बोल रहे थे, मेरा अभी भी ध्यान नहीं, मैं उनको बोला कि मेरे को आपका छत देखना है, मतलब टेरेस देखना है। टेरेस लेके गए यार, वो टेरेस जब लेके जा रहे थे ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि किसी हॉन्टेड हाउस का हम सीढ़ी चढ़ रहे, पतला से एकदम सीढ़ी एकदम, और वहाँ पर ही पूरी नेगेटिव वाइब आ रही है। मैं क्लियर बोल दिया कि यहाँ पर आप लोग इसको यूज़ वगैरह कर दो, बोलते नहीं सर मेरी वाइफ को यहाँ पर ना कुछ गलत फील होता है, यहाँ पर कुछ दिखता है उनको। मैं बोला ठीक है। पर गए जब उनके घर एंटर, मतलब छत जाने के लिए एंटर कर रहे थे, तो एक कॉरिडोर टाइप का जा रहा था, लेफ्ट साइड पे जा रहा था। हाँ, मैं अचानक से वहाँ चल गया, आई डोंट नो क्यों वहाँ चले गया। वहाँ वो ऊपर सीढ़ी चढ़ते गए, वहाँ कॉरिडोर में गया, मतलब समथिंग इज लाइक दैट कि कुछ चीज़ मेरे को अट्रैक्ट कर रही है वहाँ पर। तो मैं वहाँ जब अपने ही आप जा रहा हूँ ना, मैं वहाँ पर कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा है, पूरा एकदम डार्क है। मैं फ्लैश लाइट जलाया अपने फ़ोन का, मैं वहाँ पर खोल रहा हूँ, किचन वगैरह दिख रहा है नॉर्मल, पूरा फैला हुआ एकदम डम्ड पूरा, अब यूज़ ही नहीं हुआ क्या, बड़े बड़े कमरे हैं, आवाज़ गूंज रही है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर आप नॉर्मल ऐसे चुटकी भी बजा दोगे ना पूरी गूंज जाएगी। जहाँ भी आवाज़ गूंजे, इको ज़्यादा पैदा होए, वहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। उससे होता क्या ना, स्पेस एलिमेंट, देखो हमें डर कब लगता है, जहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है तो हमें डर ऑटोमेटिक लगने लगता है। अगर यहाँ पर भरा हुआ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपकी लाइव ऑडियंस के लिए वगैरह चेयर वगैरह भी सब कोई वहाँ ऑफिस सब चीज़ कर रहे, नहीं अगर यही चीज़ खाली रहेगा ना, तो आप अपना पैर का कदम भी अगर वो इको होगा, वो इको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब देता है। और खाली घर में बेसिकली जहाँ स्पेस है वहाँ पर धीरे धीरे कोई ना कोई एंटिटीज आनी चालू, और वो लोग तो यूज़ ही नहीं कर रहे थे। तो मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ, फील इन द सेंस ना कि जैसे कि कोई एक फीमेल है, जैसे समझ, मतलब एक्चुअली मूवीज में ऐसा दिखाता है, टेक्निकली वैसा होता नहीं, बट किसी के चलने का ऐसा, जैसे समझ रहे हो कि आवाज़ नहीं आता बट कोई फील हो रहा है कि आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैं पलट के देख रहा हूँ, कोई नहीं है, क्योंकि वो एंटिटीज़ कभी एकदम डायरेक्टली सामने कभी आपको फील नहीं करवाती है। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना, मेरे को उनके एक कमरा था, स्टोर रूम था, किचन के अंदर अनाज भंडार जैसा ही बनाता है ना, वो स्टोर रूम था, वहाँ मेरा ध्यान बार बार, मतलब वो मेरे को बुला भी रहा है, सर आ जाइए सर, छत का दरवाज़ा खोल दो, मैं बोला आ रहा हूँ, पता नहीं वो एरिया मेरे को बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट इन द सेंस जो भी कह लीजिए, वहाँ एक बार क्यूरियोसिटी हो रही थी जाके देखूँ क्या है, ऐसा है वैसा है। एट द टाइम मैं वहाँ पर एंटर किया ना यार, तो वहाँ पर एक अलग वाइब्स आने लगे, और वो उतना कमरा जो उतने दिन से बंद था, वहाँ पर मेरे को तीन चीज़ें फील हुई लिटरली, ये चीज़ वहाँ पर मेरे को फील हुआ, अचानक से एकदम रोज़ की खुशबू आने लगी, गुलाब जैसा कि रोज़ परफ्यूम कोई नहीं छिड़कता वैसे, और वो फर्स्ट फ्लोर में एकदम ऊपर टॉप पे कोने में था वहाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई साइड में छिड़क दिया हो या वहाँ कोई गार्डन हो, कुछ भी नहीं था, रोज़ की स्मेल आई। सेम टाइम कुछ सेकंड बाद मेरे को जैसे कि वहाँ नॉनवेज या कुछ ऐसा बनता नहीं, लहसुन टाइप की कुछ चीज़ें एकदम उस टाइप की महक आने लगी, और सेम टाइम में कुछ सेकंड बाद अगरबत्ती की स्मेल आने लग गई। इवन आई कैन सी द, जैसे अगरबत्ती से धुआं वगैरह उठता है ना, वो चीज़ सेम चीज़ मुझे फील हुआ वहाँ पर, दिखा वो चीज़, बट मैंने उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया। देखो मैं अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करके चलता हूँ जहाँ भी, क्योंकि देखिए कब क्या कैसा कुछ हो जाए, तो हम चाहे आप मंत्र कह लीजिए, आप देखेंगे हमेशा मेरे हाथ पे रुद्राक्ष वाला रहता ही है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करता है। मैं वहाँ से निकला, फिर मैं बोला कि इसे देखेंगे बाद में, छत गया। किसी के भी घर में वास्तु दोष दो चीज़ों से पहचाना जा सकता है, पहले उसके ज़मीन से, दूसरा उसके टेरेस से, एनर्जी फील हो जाती है। ये दो जगह जिसका ख़राब रहेगा, जिनके भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जिनके भी टेरेस में लोहा लंगड़ पड़े होंगे, टूटे फूटे सामान पड़े होंगे, छत पे टेरेस पे काई लगी होगी, एलगी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, काई लग जाती है, कॉर्नर्स में काई लगी होगी, 101% वो फैमिली, उस घर में रहने वाले फैमिली कभी भी खुश रह नहीं सकते, स्टेबिलिटी आएगी, डिस्प्यूट चलता रहेगा, डिस्प्यूट से होगा नेगेटिविटी एक बार बन गया अगर आपके घर में, एक बार नेगेटिव ऑरा आ गया कुछ सी भी बहाने से, फिर वो चीज़ ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो एंटिटी हो चाहे नेगेटिव, कुछ भी भले, कुछ अच्छा करते भले इंसान का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो उनके मैंने टेरेस पे गया ना, तो वहाँ पर मेरे को ऐसे फील तो नहीं, बट पूरा चीज़ें वहाँ पर डिस्टर्ब थी, मतलब पूरा घर फैला हुआ ऐसे फैला हुआ, और मेरे को सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो चीज़ें दिखी ना, हैन मुर्गी होती है ना, उसका कटा हुआ सर दिखा मुझे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। मतलब मैं एनिमल लवर हूँ पर्सनली, और मैं कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि कौन नॉनवेज खाया ना खाए, बट वो चीज़ सामने देखे ना बड़ी, मतलब अजीब सी एकदम, मुर्गी का सर कटा हुआ है, पंख वगैरह फैला हुआ, बोला ये क्या चीज़ है सर जी? कुछ नहीं सर जी, हम घर पे काट के खाते हैं। बोला ये क्या है यार ऐसे, मतलब टेक्निकली ये चीज़ नहीं करना चाहिए, अगर आपके घर में किसी चीज़ की हत्या हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर बात ये थी, फिर जब मैं नीचे गया, नीचे जाके पूरा डायग्नाइज हमने केस किया ना, तब उनकी वाइफ ने बताई ये चीज़, उन्होंने क्लियर नहीं की थी कि उनके घर ना एक सर्वेंट रहती थी जिन्हें ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था, काला जादू, समझ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया, ये सब हो गया, बहुत ज़्यादा पसंद था, और वो ऊपर रहती थी, मतलब वो सर्वेंट थी ऊपर वाले किचन को, उनको अलग से दे दिया गया था, वो जिस, समझ रहे हैं मैं अनाज भंडार स्टोर रूम की बात किया था, वहीं पर वो रहे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया अभी तक ना कि क्या वीडियो क्या कैसे,
बताए थे कि उन्हें ब्लैक मैजिक वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था, पता नहीं कुछ जादू टोना करती थी। हमें जब पता चला तो हमने निकाल भी दिया उससे, बट वो मतलब पहले से 18-19 साल से काम करती थी, रिक्वेस्ट करके रखे हैं हम उसे। एक दिन हमें उसके डेड बॉडी उस रूम पे मिली, ऐसे पोस्टमार्टम वगैरह कराया, कुछ नहीं, बस इतना बोला गया कि अटैक आ गया, जबकि उसकी एज भी कम थी, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अटैक वगैरह कैसे आया। जब मैंने थोड़ा और डीप डायग्नोस किया तो बातचीत के दौरान मुझे ये पता चला कि वो जब वो कुछ ऐसे कुछ रिचुअल करती थी तब वो रोज़ फ्लेवर का स्मेल, मतलब जो भी किसी चीज़ को, जो भी एनर्जी को इवोक करने के लिए रोज़ फ्लेवर का स्मेल यूज़ करती थी, मतलब फ्रेगनेंस यूज़ करती थी। अगरबत्तियाँ उसे ऑल टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब हो सकता है जो जादू टोना करता है वो अगरबत्ती लगा के यूज़ करते किसी भी रिचुअल के लिए, वो लगाती थी। और उससे लहसुन वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, स्पेशली चिकन। हमारे घर में कोई चिकन नहीं खाता था, उसके ख़त्म होने के बाद पता नहीं मेरे हस्बैंड और बेटा चिकन खाना स्टार्ट कर दिए। और आई डोंट नो, ये मुर्गी को बाहर से जिंदा लेकर आते हैं जब मैं काटते हैं। बिहेवियर चेंजेस दिख जाता है, दैट डजंट मीन कि उनके ऊपर कुछ आत्मा आ गई, सब मूवी में होता है ना, ठीक है, वैसे नहीं, बट नहीं, तामसिकता वाले चेंजेस समझ आ जाती है, वो चीज़ दिख जाती है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है जब किसी के ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है ना, तो वो इंसान तामसिक प्रवृत्ति में चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने लगेगा, लिकर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करने लगेगा, तामसिकता की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ उसका दिमाग ज़्यादा जाएगा। सेम उन लोगों के साथ ऐसे हो रहा था, तो ये चीज़ चल रहा था। जब ये चीज़ उन्होंने बोला, कभी भी आप किसी नेगेटिविटी को जब हटाने जाते हो या चीज़ न्यूट्रलाइज करने जाते हो ना, तो नेगेटिविटी वो चीज़ आपको करने नहीं देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआ ये था, एट द टाइम ये बात हो और मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला था, टेंशन ना लो हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस निकला कि नहीं कि जो थे वो, मतलब जो मेरे क्लाइंट थे उनका तो बिहेवियर चेंज हो गया। शर्मा जी देख लेंगे वो सब चीज़, ठीक है, आप अपना काम करिए, आप ठीक है, आप यहाँ पर रो करिए, चलिए घर से बाहर चलिए, वहाँ पर बात। उनकी गलती नहीं है वो चीज़, कहीं ना कहीं उनका ऑरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि वो बोल रहे हैं उनका बेटा अचानक से एग्रेसिव हो जा रहा है, मम्मी मैं सुबह दूध ला के देने बोला था, वो अभी तो, मतलब रैंडम टॉपिक पे ना मैं बोला कि भाई बैठ अभी यार, दूध दूध नहीं, बात करते हैं, बैठ अभी तो आराम से बैठा है, उसको इंस्टेंट चेंज कराना था। तो बेसिकली एक महाशुभ माला आती है, मतलब पूरा रुद्राक्ष कंबाइन सेट रहता है, हमने वो डिज़ाइन किया है, उस पर पूरा रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट थिंग, प्योर, ठीक है। अब प्रेतों को अगर कंट्रोल करना है ना, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, प्रेतों के स्वामी कौन है? शिव जी, शिव का अंश जो है वो रुद्राक्ष है, रुद्र का अंश, ठीक है, आंसू है। और वो चीज़ इतना ज़्यादा, इतना जल्दी न्यूट्रलाइज करता है चीज़ों को, लिटरली बोल रहा हूँ, अगर जेन्युइन रुद्राक्ष होगा, ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा, और अगर आपके पास है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं रुद्राक्ष ब्रेसलेट हमेशा पहने रहता हूँ, रीज़न सिर्फ यही है। तो इंस्टेंटली उन्हें वो करना था, क्योंकि वो शायद अगर उनको और बिगड़ जाता तो वो, क्योंकि ये चीज़ होता है कि आपके काम नहीं करने देती नेगेटिव एनर्जी, बहुत से केसेस में होता है ऐसे। तो इमीडिएटली मैंने उन्हें तुरंत वो महाशुभ रुद्राक्ष माला दी, तुरंत तुरंत दी ना, वो लोग, उनका बेटा तो पहन भी नहीं रहा था, मैं ये सब नहीं पहनता ऐसे ऐसे नहीं, उनके जो मेरे क्लाइंट थे उनको मैं रिक्वेस्ट करके पहने, अभिमंत्रित रहती है वो, बेसिकली मंत्रोच्चारण के थ्रू से चार्ज किया जाता है, वो पहनाया मैंने, जो चेंजेस करने थे वहाँ पर किए। वहाँ पर हमें नापी भी देखी वहाँ पर वास्तु से, और उसके बाद दूसरी एक प्रोसेस की, बेसिकली वो यंत्र और मंत्र का पार्ट है, वो वास्तु का पार्ट नहीं, एज आई टोल्ड यू कि मैं वास्तु के साथ साथ और भी चीज़ें करता हूँ, उस चीज़ों से एनर्जी को न्यूट्रलाइज की गई, न्यूट्रलाइज होती। कभी भी ऐसे मूवी में बताते भूत पकड़ लिए, वो पहले वह तो भूत टाइप का कुछ होता नहीं, वो एक मैन लोग को, मतलब ह्यूमन रेस को समझाने के लिए एक वर्ड बनाया गया है, ठीक है, जिसका जो है वो बहुत, जैसे हनुमान चालीसा में भी वो चीज़ का लिया गया है, ठीक है, बट वो चीज़ बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे मूवीज में बताते सुनते वैसे नहीं, तो चीज़ें न्यूट्रलाइज होती, ख़त्म नहीं होती वो कभी भी। वो मैंने किया रुद्राक्ष वगैरह उनको जो करा, ठीक 2 दिन बाद मैंने उनको कॉल किया, पूछा कि क्या हुआ, तो उनकी वाइफ को ने कॉल उठाया, बोले सर पता नहीं आप क्या करके गए, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा कंप्लीट ठीक, इनको आज मैं खुद बोले कि आज चिकन नहीं खाओगे, बोलते नहीं नहीं मन नहीं कर रहा हमारा चिकन खाने का। फिर उनका केस, मैं बेसिकली रिपोर्ट लेते रहता हूँ, मतलब एक क्या चेंजेस है, क्योंकि उस हिसाब से मैं कभी कभार रेमेडी भी चेंज करता हूँ। अक्सर होता है कि कंसल्टेंट क्या जाएंगे वो कर देंगे, अपने हिसाब से बना के चल दिए, फिर फुर्सत। मेरा ये रहता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो केस पे डिपेंड करता है, किसी का 3 महीना, किसी का हो सकता है, किसी का जैसे इनका 1 वीक में मैंने लिया था, और रेमेडी मैंने चेंज की, मेरी रेमेडी फिजिबल, तोड़ फोड़ वाला मैं सीन नहीं करता, ये तुड़वा दो फुड़वा दो वैसा टाइप का करता नहीं हूँ मैं। तो रेमेडीज़ का मैंने प्रॉपर रिपोर्ट लेते गया, और आज उनका पूरा केस सॉल्व हो गया। बेसिकली उनके घर में 2-3 जो मैंने बताया था कि आजू बाजू के घर में मेजर दिक्कत था, प्लस वो लैंड इशू की प्रॉब्लम थी, प्लस इनके घर में वो चीज़ हो गया था जो इनके सर्वेंट ने कांड कर्म जो भी एक्सरवेज है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट वो चीज़ कर लिया था। तो उनकी जो एक आत्मा थी, बेसिकली पिंडदान सबसे पहले तो उनका ये करवाया गया, मैं बोला कि ये चीज़ न्यूट्रलाइज करने के बाद जब आप लोग ठीक हो जाओगे तो सबसे पहले तो जाकर आप गंगा नदी के किनारे कोई भी, या तो ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कोई भी आप वहाँ के पंडित या पंडा को पकड़े, सबसे पहले पिंडदान करवाई अपनी भाई के लिए, जो उनके यहाँ मेट थी, क्योंकि उन्होंने बोले नहीं सर वो तो करवा दिए होंगे घर वाले, मैं बोला दैट इज़ फाइन, आप लोग करवा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर इतने टाइम रहे तो एक फैमिली का हिस्सा माना जाएगा, उसकी एनर्जी देखिए
इंसान चले जाता है, उसकी एनर्जी वहां रह जाती है, चीख रह जाती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑरा फील्ड में चेंज आता है। हो सकता है कि वहां की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि मेरा ऑरा खराब हो गया होगा। कई बार होता है ना कि कम कहीं ज्यादा बहुत नजर लगना, जैसे टेक्निकली कहते हैं, नोटिस किया होगा आपने कि कहीं बहुत जगह चल दिया, तीन चार लोगों ने कुछ कह दिया, वो मतलब गलती उनकी नहीं है। हो सकता है कई बार कई लोग अच्छे से तारीफ भी करते हैं कि वाकई में गुड इंटेंट से, बट बोलते हैं ना कि नज़र इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है कि पत्थर पे भी छेद कर देती है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इस टाइप का कुछ नहीं कि सिर्फ भूत प्रेत या ऐसे कुछ होते हैं, लैंड एनर्जी के इशू से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जो कि कम्प्लीटली सॉर्ट आउट होता है। मैं तो पर्सनली करता हूँ।